सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कानपुर इटावा हाईवे पर डेरापुर के मवई मुक्ता गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें दंपति और बेटे की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर देहात में कानपुर इटावा हाईवे पर डेरापुर के मवई मुक्ता गांव के पास रविवार की सुबह बारिश के दौरान वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में भतीजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे कानपुर नगर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी, उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो गई। वहीं कर्मचारी का साला व साडू घायल हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मंगलपुर के भांदेमू गांव निवासी मदन सिंह 55 दलहन अनुसंधान संस्थान में मेड के पद पर कार्यरत थे। वो पत्नी रानी 50 और दूसरे नंबर के बेटे दिनेश 30 के साथ कल्याणपुर कानपुर नगर स्थित दलहन अनुसंधान संस्थान परिसर में बने सरकारी आवास में रहते थे। बाकी तीन बेटे परिवार के साथ भांदेमू गांव में रहते हैं। शनिवार को मदन सिंह के भतीजे रत्नेश 35 की ब्रेन हैमरेज होने से मौत हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रविवार की सुबह मदन सिंह, रानी और दिनेश के अलावा मदन का सिंधकरा के वनवारीपुर कांधी निवासी साला कैलाश और रावतपुर कानपुर नगर निवासी साडू राममिलन के साथ वैन से भांदेमू गांव आ रहे थे। वैन दिनेश की थी और वो ही चला रहा था। सुबह करीब 8 बजे बारिश के दौरान डेरापुर के मवई मुक्ता गांव के पास हाईवे पर वैन फिसल गई और दिनेश स्टीयरिंग नहीं संभाल सका। वैन सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। आसपास के लोगों ने वैन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मदन, रानी और दिनेश को मृत घोषित कर दिया। राममिलन व कैलाश भर्ती हैं। थाना प्रभारी गंगा सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।